आज हम सीखेंगे स्विफ्ट बॉस बेस क्या होता है, इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं टू सॉलिड वर्क्स में। स्विफ्ट बॉस का मतलब होता है एक पाथ के थ्रू किसी भी डिजाइन को एक्सटेंड करना, जैसे कि पाइप बनाना। तो हम एक सिंपल डिजाइन बनाते हैं, उसकी मदद से हम समझेंगे स्विफ्ट बॉस बेस क्या है। तो इसके लिए हम एक स्केच ड्रॉ करेंगे। तो एक टॉप प्लेन सेलेक्ट कीजिए, स्केच, स्केच में जाइए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। ओके, अब यहां से एग्जिट जाइए। आपको एक प्लेन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, फ्रंट प्लेन, ये ठीक होगा। तो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कीजिए, स्केच नॉर्मल। अब यहां हम एक ज्योमेट्री बनाते हैं इसके मेन सेंटर ओरिजिन पॉइंट से। अब हमने ये एक मेन ज्योमेट्री बनाई है। अब हम एग्जिट होते हैं इस स्केच से। अब हम देखते हैं स्विफ्ट बॉस बेस कमांड क्या है। फीचर में जाइए, स्विफ्ट बॉस बेस कमांड, इसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहां दो ऑप्शन होते हैं, प्रोफाइल एंड पाथ। पहला जो है वो प्रोफाइल होता है, ये हमारा प्रोफाइल है सर्कल, और दूसरा जो पाथ, ये लाइन हमारा, ये पाथ, ये लाइन जो है वो पाथ होती है। सो ऑलरेडी स्केच सेलेक्ट हुआ है, अब प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक्सट्रूड बॉस बेस का सबसे मेन और अहम फंक्शन होता है कि किसी भी बॉडी को एक्सट्रूड करना एक पाथ के जरिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फॉलो पाथ, कैप्ट नॉर्मल। कैप्ट नॉर्मल ये एप्लीकेबल नहीं है इस ज्योमेट्री के लिए। फिर ट्विस्टेड अलॉन्ग पाथ, ये भी इट्स नॉट अवेलेबल फॉर दिस ज्योमेट्री। सो हम फॉलो नॉर्मल, आगे देखेंगे कि हम किस तरह अदर पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, गाइड कर्व, ये सब एडवांस पार्ट्स हैं, हम देखेंगे आगे कैसे इस्तेमाल करते हैं इसे। सेलेक्ट ओके। तो ये देखिए, ये हमारा एक स्विफ्ट बॉस बेस की मदद से हमने एक सॉलिड पाइप तैयार किया। इसे चाहे तो हम एडिट कर सकते हैं। अब हम इसे डिलीट करके स्केच टू स्विफ्ट बॉस बेस सेलेक्ट कीजिए, सर्कल। अब यहां एक फीचर है थिन फीचर, इसका क्या इस्तेमाल होता है। थिन फीचर से हम किसी भी चीज का डायमीटर या पाइप बना सकते हैं, एक हॉलो पाइप बना सकते हैं। अब हमने यहां डायमीटर दिया है 1 mm, 2 mm, इनसाइड आउटसाइड, ये हमारे ऊपर है। लेट्स मेक 4 mm। तो ये हमारे ऊपर है, अब इनसाइड रखते हैं, सेलेक्ट ओके। तो ये देखिए, ये हमारा पाइप तैयार हो गया, 4 mm थिकनेस का पाइप। सो स्विफ्ट बॉस बेस का यही मेन फंक्शन होता है कि किसी भी ड्राइंग को एक्सटेंड करना हो एक पर्टिकुलर पाथ में, तो वो हम इसकी मदद से करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।